ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव करें। उसके दो आसान तरीक़े। पहला तरीका, उनको समझाने से ज़्यादा उनको समझने की कोशिश करें। 80% टाइम उनको समझने में लगे, 20% टाइम उन्हें समझाने में लगे। उनको समझने की एफर्ट्स अगर आप 80% कर लेंगे और समझाने की 20% करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। तो समझेंगे कैसे? उनको सुनना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, मुंह बंद रखना पड़ेगा, यानी मुश्किल काम। और जितना आप ये काम करेंगे इंशाल्लाह ये होगा। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए जो क्वालिटी टाइम का फॉर्मूला है, क्वालिटी टाइम का लफ्ज़ आपने सुना होगा, मैं क्वालिटी टाइम के तीन इंडिकेटर्स शेयर करता हूँ, मैं वो बता देता हूँ। क्वालिटी टाइम देंगे इंशाल्लाह रिलेशनशिप बनेगा। क्वालिटी टाइम के तीन इंडिकेटर्स हैं। क्वालिटी टाइम का पहला इंडिकेटर ये है कि एजेंडा उनका हो या म्यूचुअली एग्रीड हो। ठीक है, देखिए क्वालिटी टाइम देने से पहले ही हमें ये देखना है कि टाइम देना किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई साहब मौजूद हैं और मैं उनको प्रोग्राम के बाद रोकूं और उनसे 10 मिनट बात करूं और फिर मैं उनसे अपने मतलब क्या इन्फॉर्मेशन लूं, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया या मैंने उन्हें टाइम दिया? उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने तो टाइम लिया। टाइम देना किसे कहते हैं? जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं टाइम दे रहा हूँ, तो असल में हम टाइम दे नहीं रहे होते, हम टाइम ले रहे होते हैं। क्योंकि हम बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं इधर आओ, होमवर्क बताओ, क्लास वर्क बताओ, क्या किया पूरे दिन, क्या किया इसका बताओ, उसका बताओ, टेस्ट की रिपोर्ट दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। ये सारे सवाल टाइम लेना हुआ ना उसका, तो हम उन्हें टाइम दें और म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा पे टाइम दें। पहली बात, एजेंडा उनका हो। दूसरी बात ये कि हमारा जो टाइम है वो अर्जेंसी, उसके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ना हो, हमें जल्दी ना मची हो जब हम टाइम दें। हम इत्मीनान और तहम्मुल के साथ टाइम दें, सहूलत के साथ टाइम दें। अगर हमारे पास 10 मिनट भी हैं तो हम ये 10 मिनट के आगाज़ में नहीं बोलेंगे जल्दी करो ना, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जल्दी करो ना। अगर आप, जब बच्चा आपसे बात कर रहा है वो बैठा हुआ है और आप खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही टाइम नहीं दे रहे। अगर वो आपसे बात कर रहा है, आप कोई और काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अर्जेंसी में हैं। तो आप उसकी तरफ देखें, मुतवज्जे हों। अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो ये आप 10वें मिनट पर बोलिए कि अच्छा अब इस वक्त मैं मज़ीद टाइम नहीं दे सकता, इंशाल्लाह फिर मैं बाद में दूंगा। लेकिन और वो फिर बाद आए, मतलब बाद आनी चाहिए। और लेकिन आप जो, अगर देखिए, अगर हम ये बिल्कुल शुरू में कहें ना मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी में हूँ, जल्दी बताओ, तो ये क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन उससे अफेक्ट करती है। तीसरी बात ये है क्वालिटी टाइम की। क्वालिटी टाइम का पहला इंडिकेटर ये है कि उनकी, उनका एजेंडा हो या म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा हो। क्वालिटी टाइम का दूसरा इंडिकेटर ये है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी ना हो। तीसरा इंडिकेटर यह है कि अर्ज टू मीट अगेन जिंदा रहे। जब मैंने अपने बच्चे को टाइम दिया, उसके बाद जब मैं अपने बच्चे से ये कहूँ कि अच्छा बेटा कल फिर मैं आपको टाइम दूंगा, तो बच्चा ये दुआ ना करे कि अल्लाह करे कल आए ही ना, इसलिए कि जिस तरह अभी इन्होंने मेरे साथ किया ये कल फिर करेंगे, तो मतलब बस कभी भी कल ना आए। क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल इस तरह देते हैं, बच्चा कहता है कि ये अब्बू ने पता नहीं क्या हो गया मेरे लिए, बड़ी मुश्किल हो गई, टाइम देना शुरू कर दिया, जल्दी आ रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं। वो बहुत अच्छा करते थे, देर से आते थे ऑफिस से, जल्दी आते हैं। तो मेरे तो टाइम देना किसे कहते हैं? क्वालिटी टाइम के ये तीन इंडिकेटर्स हैं। तो बच्चों से अच्छा ताल्लुक कैसे बनेगा? पहली बात, उनको समझने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश से ज़्यादा हो। दूसरी बात ये कि उनको क्वालिटी टाइम दें।